जोमैटो ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है जिसमें उसने अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों के लिए साल में 10 पीरियड लीव देने का प्रावधान लागू किया है। इस विषय में बात करते हुए कंपनी के संस्थापक दीपेंद्र गोयल कहते हैं कि हम अपने यहाँ सच, विश्वास और जुड़ाव की नीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। दीपेंद्र कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का संकोच या अभिशाप कलंक महसूस नहीं होना चाहिए यदि आप पीरियड लीव के लिए अप्लाई करते हैं। यदि आपको पीरियड लीव चाहिए तो आपको निसंकोच होकर खुलकर कंपनी के आंतरिक समूहों से और मेल पर इस विषय में बात करनी होगी। वहीं दूसरी ओर अपने यहाँ काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों को संबोधित करते हुए दीपेंद्र कहते हैं कि ये हमारे लिए असुविधाजनक नहीं होना चाहिए यदि कोई महिला पीरियड लीव के लिए अप्लाई करती है। आगे दीपेंद्र ये भी कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि इस परिस्थिति में महिलाएं किस तरह के दर्दनाक पेन से और कठिन समय से रूबरू होती हैं, कठिन समय से गुजरती हैं। हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनका सहयोग करना पड़ेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि कब राष्ट्रीय तौर पर इस मुद्दे पर कुछ ऐसे प्रावधान लागू होंगे या लागू किए जाएंगे जिससे हमारे यहाँ माताओं बहनों को थोड़ी सी राहत मिले और कुछ अच्छा समाज में मैसेज जा सके, कुछ अच्छा समाज में हो सके, ताकि इन कठिन परिस्थितियों में माताओं बहनों को जिस प्रकार का दर्द झेलना पड़ता है उसमें कुछ उनको सुविधा मिल सके, कुछ उनको राहत मिल सके। ये रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे चैनल भारतवर्ष मातृभूमि चैनल पर।